आगे बढ़ेंगे। शहडोल के मेडिकल कॉलेज में 16 लोगों की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत होने की बात परिजनों के जरिए कही जा रही है। अस्पताल प्रशासन का दावा है ऑक्सीजन की किसी तरह से कोई कमी नहीं हुई, कमी से मौत नहीं हुई है, यहाँ पर हर सुविधा पहले से अवेलेबल मरीजों के लिए है। परिजन कह रहे हैं ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी मरीज को, इसलिए जान चली गई। शहडोल से बड़ी खबर, जहां अस्पताल में 16 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है और परिजन कह रहे हैं कि ये मौत ऑक्सीजन की कमी के वजह से हुई है। शहडोल का मेडिकल कॉलेज जहां 16 लोगों की मौत हो गई, अस्पताल कह रहा है नहीं, किसी भी तरह से यहां लापरवाही नहीं हुई थी, किसी भी चीज की कमी नहीं है और ये मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। मेडिकल कॉलेज के बाहर परिजनों का रोड़ों का बुरा हाल है। आनंद फानंद में मरीजों को लेकर पहुंचे थे परिजन और ऐसे में 16 मौत एक साथ। सवाल यही कि क्या वाकई ऑक्सीजन की कमी हुई थी, या फिर क्या वक्त पर इलाज नहीं मिल पा रहा था, या फिर कोरोना की ये दूसरी लहर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वक्त पर इलाज भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, उसके बावजूद मौत हो गई। ऑक्सीजन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा है 10 KLD का और वो खत्म हो रहा था, उसके लिए डिमांड भी गई थी। कल शाम तक वो लिक्विड जो फिलर आना था, पहले हमें बताया गया शाम को आएगा, उसके बाद बताया गया रात को आएगा, उसके बाद 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा और वो देर रात उसमें जितनी बची हुई ऑक्सीजन थी खत्म हो गई। उसके अलावा हमारे यहाँ जो सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से ऑक्सीजन दिया जाता है, सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन फिर भी प्रदाय जारी रहा।